मैनू कहूं अब कोई रह तो ना गया है। अरे मजे तो नुड़ गए सब आ लिए, चलो भाई चलो। तो चलो फिर, चलो भाई चलो। दरवाजे तक पहुंचने वाली है, जल्दी से तैयार हो जाओ बेटी, जल्दी तैयार करो इसे। हाँ दरवाजी, बात क्या है? कौन है तुम? कहाँ से आए हो और कहाँ जाना है? हम बराती है जी, गांव से आए हैं, घर से ससुराल जा रहे हैं। मैं ले चलूंगा तुम्हें ससुराल, पहले इनकी तलाशी लो। ले लो पर ऐसी चीज लो जो मार दरिया हो, तलाशी किसी के धोरे बिना। अभी पता चल जाएगा ये ट्रैक्टर किसका है। ट्रैक्टर तो हमारा ही है, पता तो चले बात की है। चाचा कदे चाय पानी का इंतजाम यही करवा रखे हो, एक एक ठंडा यही हो जाए तो की अर्ज है। तुम्हें ठंडे की नहीं डंडे की जरूरत है। अरे भाई दरोगा जी, हमें देर होने लग रही है, हमें जान दे। चलो ये ट्रैक्टर पहले थाने ले चलो। देखिए दरोगा जी, अगर हम टाइम पे ना पहुँचे तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, हमारा शादी में पहुँचना ज्यादा जरूरी है। अजी तुम्हें जो लेना देना हो यही कर लो, वहाँ चाय नाश्ता ठंडा हो जाएगा। ठंडा जब होने दूंगा तब ना। चलो दरोगा जी कह रहे हैं तो पहले थाने में चलो, नूके में छोड़ दूं। ए लड़के पहले ट्रैक्टर सीधा थाने ले चल। मैं तो बरात में कभी ना आता, अगर मुझे पता होता मैं तो बरात में कभी ना आता। अरे चुप हो जा, ले चलेंगे बरात में भी। इसे बीड़ी पियाओ। अरे ससुराल में बीड़ी भी कोनी छोटी मरी है मैं। भाई लाला जी, अगर यहाँ एक आध घंटा और रुक गए ना तो बहुत काम खराब हो जाएगा। हाँ भाई राम सिंह, पर करें कैसे करें? अरे इस नैया को भी कौड़ी पार लगा सके। भाई कलू नू बैठे तक के काम चले, अरे भाई कुछ तो कर। अरे मर गया भाई। देखियो क्या हो रहा है,
एक आदमी उधर दो रहा है। अच्छा खोलो जरा, जल्दी खोलो। अरे मर गया, अरे मर गया, अरे भाई भाई, अरे मर गया, अरे क्या होगा भाई, अरे भाई हम लोग, अरे मर गया भाई, अरे क्या हुआ, कहाँ जा रहे तुम लोग? अजी हमें दरोगा जी ने भेजा है। मैं पूछूंगा जब जाने दूंगा। नेताजी। अरे कौन हो भाई, क्या बात है? आपने मुझे पहचाना नहीं नेताजी, मैं कालू। कालू? कुछ याद नहीं आ रहा। नेताजी मैं वही कालू जिसने आपकी कार में पिंचर, मेरा मतलब ओ, है। ओ याद आया, तुमने गांव में हमारी मदद की थी। बैठो गाड़ी में बैठो। नहीं नेताजी, मेरा कहीं पहुंचना बहुत जरूरी है। बोलो क्या बात है? आप थाने जाके पिताजी, लाला जी और गाँव वालों को छुड़ा दो, देर होगी तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, मैं थाने से सबको छुड़ाता हूँ। आपका बड़ा उपकार होगा नेताजी। ठीक है मैं चलता हूँ, आओ। हरि ओम गणनाथ गणपति गंगे वामये, प्रिय नाम सा प्रिय पति गंगे वामये। हे आजा आदू, कौन हो तुम लोग? भाई साहब मेरा नाम कालू है और हमारा अंदर जाना बहुत जरूरी है। अच्छा तो तुम हो कालू, आयो। इनका जाना कितना जरूरी है अंदर, इनको बता दो। खेलने वाला कालू नहीं ये था। ये सब मेरी वजह से हुआ। कालू निर्दोष है बरखा, कालू निर्दोष है। ये क्या बकवास कर रही हो गीता तुम? आज मैं बकवास कर रही हूँ, तुमने मुझे अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में फंसाया और मुझे इस काबिल नहीं छोड़ा कि मैं कहीं मुंह दिखा सकूँ। ये झूठ बोल रही है बरखा। तुमने मुझसे शादी का वादा करा, क्या ये झूठ है? मुझे अपने झूठे जाल में फंसाया, क्या ये झूठ है? मेरी इज्जत से खेले, क्या ये झूठ है? मेरे पेट में पलने वाला बच्चा, क्या ये भी झूठ है? ये तुम क्या बोल रही हो गीता, ये तुम क्या बोल रही हो? मैं सच कह रही हूँ बरखा, कालू निर्दोष है, कालू सिर्फ तुम्हारा है। मेरे किए पापों की सजा कालू को मिल रही है। बस करो गीता, बस करो, बस मुझे इतना बता दो कि वो कहाँ है। बाहर इस जालिम के गुंडों से लड़ रहा है। कमाल! कमाल! मुझे माफ कर दो कमल, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पे विश्वास नहीं किया। मैं इसे छोड़ू ना, मैं इसे बिल्कुल ना छोड़ू, मैं इसका खून कर दूंगा। क्या बात हुई लाला जी, जरा हमें भी तो बताओ। ये बात पूछे मारे तक, इतनी बड़ी बात होगी और ये बात पूछे मारे तो लुके मैं छोटू। देखो लाला जी, अगर गीता और जो है दलीप ब्याह कर ले तो बात कुछ भी ना है, और अगर ये नहीं अंकल, मैं गीता से शादी करने के लिए तैयार हूँ। बात क्या हमें भी तो बताओ। बात कुछ भी ना अग्रवाल साहब, गीता और दलीप एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं।
जिनो जी हमें तो गीता भी पसंद है। एक बात मैं भी कहनी चाहूँ रतन लाल। बोलो। तुम अब बरखा का ब्याह काड़ू कमल तक कर दो। क्या कह रहे हो लाला जी, होश में तो हो, हमें बिरादरी में नहीं रहना क्या? बिरादरी बच्चों की खुशी है, बर्बादी नहीं। नेताजी ये हरगिज नहीं हो सकता। मैं हाथ जोड़ के कहूँ रतन लाल, ये दोनों बच्चे एक दूसरे को बड़ा प्यार करते हैं, और सच कहूँ इस बच्ची के कारण मेरा बेटा तो इंसान बन गया। इन दोनों की शादी कर। मैं तेरे से झोली फुला के बरखा को मांगता हूँ, मुझे दे दो। ये मत सोच बरखा राम सिंह के घर जा रही है, ये सोच बरखा मेरे घर जा रही है, राम सिंह मेरा छोटा भाई है। नहीं लाला जी, ये हरगिज नहीं हो सकता। आखिर क्यों नहीं हो सकता पापा? ये बेवकूफ, बड़ी बिरादरी में मेरी नाक कटवा रही है। रुको बाबूजी, आप बरखा को कुछ ना कहें, चाहे आप हमारी शादी ना करें। हम यहाँ बरखा को लेने आए थे, आपकी बेइज्जती करने नहीं आए थे। मुझे आज मालूम हुआ कि मैं गंवार सचमुच बरखा के काबू में हूँ। बेटा, जब मेरी बेटी को एक थप्पड़ सहन नहीं कर सकता, वो जरूर मेरी बेटी को सुखी रख सकता है। नकचड़ी।